हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आज हम आए हैं अहमदाबाद के संतोष सैंडविच सेंटर पे चीज मसाला पफ ट्राई करने। सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोपहर के नाश्ते के लिए। तो भैया से बात करते हैं, टाइमिंग पूछते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें डालते हैं वो देखते हैं। और सबसे अलग वीडियो होने वाली है ये, क्यों? क्योंकि इसमें जो चीज़ें डालते हैं भाई मज़ा आ जाएगा। देखते ही आधा पेट तो देखते ही भर जाएगा, उसके बाद ट्राई करके आपको बताते हैं कि कैसा लगता है। प्राइस डिटेल्स, लोकेशन डिटेल्स, सारी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, जो करना हो करते हैं। चलिए देखते हैं चीज मसाला पफ। पफ की साइज देख रहे हो आप, 70 रुपये का प्राइस है इसका और एकदम चीज बटर से भरपूर पफ है। तो दोपहर को अगर नाश्ता करना है तो शायद मेरे ख्याल से तो भाई बहुत बढ़िया ऑप्शन है। चलिए ट्राई कर लें। तो ये हमारा पफ हो गया है रेडी। और भाई साहब ये एक पीस कितना बड़ा है, देख रहे हैं देखो। ये हम ट्राई करने वाले हैं भरपूर चीज से भरा और बहुत सारे वेजेस डाले हुए अंदर। आधा पफ खाओ ना, आधा पफ पेट भर जाए अगर नाश्ता करने के लिए आए हो तो। काफ़ी बढ़िया है, 70 रुपये में भरते हैं। आप मसाला देखो अंदर कितना मसाला डाला हुआ है, चीज़ डाला हुआ है, सारी चीज़ डाली हुई है। भैया यहाँ का टाइमिंग बता दीजिए ना। 9 से 9, सुबह 9 से शाम को 9 बजे तक। और एड्रेस बता दीजिए यहाँ का। सेंट जेवियर्स कैंपस कॉर्नर। सेंट जेवियर्स कैंपस कॉर्नर, सबवे के सामने। तो हमारी अहमदाबाद की फूड सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, और ज़्यादा नाश्ते के ऑप्शंस, डिनर के ऑप्शन, लंच के ऑप्शन, सारी चीज़ें हम बारी बारी डालते रहेंगे। अगर आपको हमारी कंटिन्यू अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और अगर इंस्टेंट अपडेट्स उससे भी ज़्यादा जल्दी अगर आपको हमारे ओर से अपडेट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना ना भूलें। और बस अपने कमेंट्स में जो भी सजेशन है वो आप डालते रहिए कि आपको नेक्स्ट क्या चीज़ देखनी है, अहमदाबाद की कौन सी फेमस चीज़ आपको देखनी है, तो वो हम आपको दिखाते रहेंगे। तो बस ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए